अरुण से क्या घर में? कौन? अरे उत्तम, अरे आना। नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए मौसी, नंदा नहीं आई क्या? नहीं, मैं तो उसी की राह देख रही थी। फिर अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? नहीं यानी नंदा नहीं है, यही ठीक है। मौसी मैं कल शहर जा रहा हूँ। हाँ? और मेरे बारे में तुम्हें सब कुछ मालूम है। मौसी मैं नंदा से शादी करना चाहता हूँ। अरे मैं तुझे तेरे बचपन से जानती हूँ, और उसे भी। ये ऐसा क्यों बोल रही हो मौसी? वो तो आप ही की बेटी है। इसीलिए इसलिए उसके मर्जी के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं, उसकी मर्जी के सिवाय शादी करने कहाँ कह रहा हूँ। उसकी मर्जी तो चाहिए, पर आपका निर्णय भी चाहिए ना। नहीं वैसे वैसे तो मुझे अच्छी नौकरी है, रहने के लिए जगह ले रहा हूँ, और माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरे बारे में तो आप सब कुछ जानते हैं। अरे तू बुरा है, ऐसे कब कहा मैंने? अरे तुझे तो मैं बचपन से जानती हूँ। तो फिर क्या तकलीफ है? मैं बताती हूँ तकलीफ क्या है वो। किस बारे में कह रही है माँ? क्या बात है, ऐसा क्या पूछ रहा है तू? क्यों ये एड़ा बन के खाली पॉकेट पे एड़ा खा रहा है? अरे तू नंदा के बारे में पूछ रहा है ना? नहीं, नंदा कहाँ गई ये पूछ रहा था मैं। गई होगी कुछ काम के लिए, तुझे क्या उसकी पड़ी है? अरे कल तो तुझे शहर जाना है ना, वक्त पर घर आना, खाना खाना, क्यों खाली पीली माँ बाप से इंतजार करवाता है? नहीं नंदा आई थी ना, सोचा जाते वक्त मौसी से मिल लूं। नहीं वो ठीक है, गांव में तेरी और 10 मौसियां हैं, उन सबको मिल के आएगा। नहीं यानी मिल के आना है तो आ जा, पर जरा जल्दी। तू आके जा, मैं आता हूँ। मिल लिया? हाँ मिला। नहीं अभी, ध्यान से सुन, नंदा तुझे अच्छी लगी इसमें आश्चर्य नहीं, सबको अच्छी लगती है वो। माँ कुछ भी बोल मत। अरे बिल्ली जब आग बंद करके दूध पीती है तब सारी दुनिया उसे देखती है, बिल्ली को ऐसे ही लगता है कि सारी दुनिया ने आंखें बंद कर ली है। तू जब से आया तब से तेरे सारे लक्षण देख रही हूँ मैं। देखा तेरी माँ कितनी होशियार है वो। तो उत्तम बाबा वैसे तू मन में कुछ भी मत सोच, अरे उसका रास्ता अलग तेरा रास्ता अलग, वो कभी भी गाँव छोड़ेगी नहीं और तू कभी भी गाँव आएगा नहीं। अरे पूरे गाँव की सेवा करना ऐसा कहने वाली वो, और सारे गांव से अपनी सेवा करवाने वाला तू, एक नदी के दो किनारे। उसके जैसा एक येड़ा फकीर है गांव में, उसका नाम है शंकर, उन दोनों की शादी होने वाली है सारे गांव को पता है, तब उसके शादी को जरूर आऊंगा ऐसा कह के मौसी से इजाजत ले। आता हूँ मौसी। हाँ अच्छा, तेरे जैसे भाई पर नंदा को भी गर्व होगा। हाँ ना, भेजती हूँ ना इस सर राखी बंधवाने, आरती उतरने चलो। हाँ तो साथियों, कल का स्वतंत्र दिन यह तकरारवाड़ी के इतिहास में एक बड़ा ही संस्मरणीय दिन होने वाला है। अपनी ग्राम सभा की खास बैठक में अपने गांव के नियोजन का आलेख भी तैयार किया है। हाँ अभी सबका सहयोग तो मिल ही रहा है, तब हमारी कोशिशें कम पड़ रही है ऐसा नहीं होना चाहिए। बराबर, मुझे ये लगता है कि योजना की कार्यवाही करते हुए हम उसके निगरानी का काम बांट लेते हैं, तो क्या होगा कि कुछ काम श्रद्धान से होगा और कुछ पैसे से होगा। कुछ भी हो, निगरानी और जो मदद लगेगी वो देने की जिम्मेदारी हम संस्था पर या गटों पर रखेंगे, तो कोई सवालों का हल आसान हो जाएगा। सच है, गुटबाजी नहीं होनी चाहिए, गुटबाजी नहीं होगी तो भ्रष्टाचार भी नहीं होगा, और बाकी सब काम हम ही करने वाले हैं तो कामचोर तो कोई रहेगा ही नहीं, क्यों? परिवार के संबंध में यानी बच्चों के और महिलाओं के कल्याण के संबंध में जो काम होंगे वो महिला मंडल करेगा। युवक मंडल का आत्मविश्वास भी कम नहीं, क्यों शंकर? हाँ हाँ, पर गुरुजी कल का कार्यक्रम तो अच्छा होना चाहिए है ना? तो उसकी सब तैयारियां आज ही कर लेंगे जी। अपने गांव का एक बड़ा नक्शा स्कूल की दीवार पर लगा देंगे। और तो और जरूरी काम कौन से हैं उनकी एक तफसील से लिस्ट भी बनाएंगे। ये सब तैयारी हम अभी ही कर सकते हैं।
तो फिर शाम को गुट बनाकर ये काम बांट सकते हैं। हाँ, ग्राम सभा से भी कल की सभा बड़ी होगी। बराबर बराबर। क्या है बीमा? तैयारी के लिए आपको बुलाया है। अच्छा अच्छा, तो फिर साथियों हम जरा जाके आते हैं। गुरुजी आप यहाँ देखिए, मैं वहाँ की तैयारी देख के आता हूँ। अच्छा चलता हूँ। भाइयों, गांव की जमीन, पानी, पेड़, जानवर, मुर्गियाँ, ये सब संपत्ति है, पर गांव की सच्ची संपत्ति है गांव के इंसान। कल हम 15 अगस्त मनाते हुए गांव के विकास का संकल्प छोड़ने वाले हैं। तालुके से बीडीओ साहब ने एक चित्रफीत भेजी है, सबसे पहले उसे हम देखेंगे। तालुका के कुछ गांवों को तहसीलदार ने दत्तक लिया है और उन गांवों पर ये चित्रफीत बनाई है। वैसे ही व्यवसाय और योजनाएं हमें अपने गांव में शुरू करने हैं। चलो फिर चलते हैं। तो भाइयों, मैं अब अपने मुख्य अतिथि श्री रामनारायण जी, इन्हें हमें मार्गदर्शन पर चार शब्द कहने के लिए विनती करता हूं। रामनारायण जी, चार शब्द। गांव के समस्त भाइयों और बहनों, आज की अपनी ये संकल्प सभा देखकर मेरा दिल खुश हुआ। स्वतंत्र के 50 साल बाद ही सही, महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज्य का संकल्प कम से कम आपके गांव में तो देखने को मिला। आपके ये संकल्प जल्द ही पूरे हो, यही ग्राम देवी के सामने प्रार्थना है। इन संकल्पों में मैं और एक संकल्प का सुझाव देना चाहूंगा। आप लोग गोबर गैस प्लांट शुरू कीजिए, अपनी ऊर्जा आप खुद ही निर्माण कीजिए, स्वावलंबी बनिए, मतभेद, पंथ भेद, जाति भेद भूल जाइए, सहकार्य की भावना मन में दृढ़ कीजिए, एक दूसरे को मदद कीजिए और अच्छा रास्ता अपनाइए। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप भी अभी आई हो, वापस कहाँ जा रही हो? अरे गांव के घर घर में जाना है। हमने महिला मंडल में साक्षरता का कार्यक्रम रखा है ना? हाँ? तो फिर साक्षर हुई महिलाओं को आगे पढ़ाई करनी चाहिए ना? अब और कौन सी पढ़ाई? अरे बहुत से बातें हैं पढ़ने के लिए। भाषण कौशल्य, जीवन सुधार कार्यक्रम, और तो और परीक्षा देने का अभ्यास, और क्या, हाँ, गांव वालों के लिए अर्थोत्पादन का कार्यक्रम। बापरे, इतना सब कुछ सीखने के लिए तो पूरा जन्म भी कम पड़ेगा। हाँ, आप कैसे कहा, इसे जीवन सुधार कार्यक्रम ऐसा कहते हैं। हाँ। तो अब हमने हाथ में जो कार्यक्रम लिया है ना, वो है अर्थोत्पादन का। अरे कुछ समझेगा ऐसा बोलना। अरे यानी कुछ तो नया धंधा करके कमाई कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी शिक्षा कार्यक्रम। अरे वो तो चालू है तुम्हारा, लड़कियां कुछ ना कुछ कर रही है ना। अरे कुछ तो मत बोल, उन्होंने पर्स और थैलियां तैयार की हैं। तालुके के गांवों से ऑर्डर्स भी आने लगे हैं, पता है क्या तुझे? अरे वाह, और क्या रे, वो छोटे बच्चों के कपड़े का? हाँ, रेखा ने और उसकी सहेली ने तो कमाल ही की है। एक एक फ्रॉक ऐसा कि पूछ ही मत। अरे फ्रॉक क्या है, बाबा सूट भी है, सैनिक का ड्रेस भी सिलाया छोटा सा। ऐसा क्या? और तुम्हारा वो चटनी बनाने का हुआ ना, वो भी काम सफल। हाँ, उसके लिए रेखा और कमल दापोली के कृषि विद्यापीठ में जाकर आए। वहाँ करोंदे की चटनी से शरबत तक कई पदार्थ सीखे आई। अब तो 10-12 चटनियाँ बनाना चल रहा है। ऐसा क्या? क्या रे, ये घर देखने का बीच में कहाँ से आया? अरे ये ज्यादा उत्पन्न मिला है ना औरतों को। वो खर्चा उन्होंने घर की सजावट पर करने का सोचा है। मतलब? और बाकी की बचत वो कैसे? अरे घर कैसा ठीक ठाक चाहिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए अच्छी जगह चाहिए, खिड़कियों को पर्दे चाहिए, घर में आने के बाद दिल एकदम खुश होना चाहिए, है ना? हाँ हाँ बराबर है। चल, शंकर और यास्मीन मेरा इंतजार करते होंगे। हाँ।
रेखा दीदी है क्या घर में? अरे आइए, आप ही का इंतजार कर रही थी। अरे वाह, घर कितना अच्छा सजा है तुमने। बस वैसे ही, आप बैठिए ना। हाँ बैठिए। ये क्या नया बनाया? नहीं, अजी धान की कोठिया ली, उस पर तख्ता रख दिया और गद्दी रख दी। बैठने के लिए अच्छा है ना? बहुत अच्छे। वो देखा क्या है? पुराने मटके को रंग दे के उसमें पौधा लगाया, उससे कोना बहुत ही अच्छा लगता है रेखा दीदी। और कारीगरी भी आपकी ही लगती है। फिर कसीदाकारी में उनका हाथ पकड़ने वाला कोई भी नहीं है। अरे वाह, ये देखो। आहा हा, बस क्लास। सच्ची, ये चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं। अब फर्स्ट क्लास है, तभी तो इतनी ऑर्डर आ रही है तुमको। रेखा दीदी, आपके हाथ में कला है। चलो रेखा दीदी, हम चलते हैं। हाँ। और जाते जाते वो आंगन का बगीचा भी देखेंगे। अरे रुकिए ना, चाय पी के जाइए, अभी बनाती हूँ। प्रदर्शन की अभी बहुत तैयारी करनी बाकी है, बहुत कुछ चीजें इकट्ठा करनी है, फिर आएंगे ना कभी। हाँ, चलते हैं हम। चलो। क्यों चाचा, मंजुला मौसी है क्या घर में? अरे आओ आओ, बैठो बैठो। हाँ पर चाचा, आज हम मौसी से मिलने आए हैं, तुमसे नहीं। मुझसे नहीं? हाँ। मौसी से मिलना। हाँ। है तो ऐसा करता हूँ, हाँ। मौसी को भेजता हूँ बाहर। हाँ। और मैं जाता हूँ अंदर। हाँ चलेगा ना। हाँ। वो जरा खाना पकाने का देख लो। हाँ। और धोने का सोडा डाले हुए पकौड़े बनाना मत भूलना। ये क्या, मौसी भी आ गई? अरे वाह वाह वाह, तुम लोग आए क्या? ये देख, मौसी का घर तो हम हमेशा देखते हैं। आज हम मौसी ने सोच के बनाई हुई स्वादिष्ट चटनियाँ जो लोकप्रिय बन गई है वो देखेंगे। क्या मौसी सोच के चटनियाँ बनाती है और हमें लगता है सील बट्टा या खलबट्टा लगता है। इस यस्मिन को भी क्या हुआ, कुछ समझता नहीं। अरे वो मजाक करती है, करने देना। तू क्यों रोब दिखाता है उसको इतना? अरे पर वो चटनियाँ हमें दिखा रही है ना। हर बच्चा चा, मंजुला मौसी की चटनियाँ यानी तुमको तकलीफ ही है। अब मुझे उसमें कौन सी है तकलीफ, मैं भी तो खाता हूँ ना। खाते हो ना तो क्यों बोलते हो तीखी है? कौन कहता है तीखी हुई है? ये यास्मीन और कौन? वाह 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 मौसी, अरे ये तो मुंबई पुणे जैसे शहर में बिक सकेंगी, इतनी अच्छी बनाई गई है। पैकेट क्या देख रहे हो, चक्के देखो तो ही समझ में आएगा। हाँ तो फिर सिंग तिल लहसुन, अरे बाप रे कितने प्रकार है ये मौसी। हाँ पर क्या मौसी, तुम्हारी वो खास चटनी बनाई की नहीं? चटनी की है तो, चटनी तो मौसी की खासियत है। और पीसने का अनुभव कितना? क्या कहा तूने? अरे चटनी पीसने का अनुभव कितना, ऐसा कह रही थी मैं। तो मेरे हाथ की चटनी ने कितनी अच्छी लगती थी। अच्छी लगती थी यानी अभी नहीं लगती क्या? अच्छी लगती है ना, अच्छी लगती है, पीसती ही है। नहीं यानी चटनी पीसती है और मैं खाता हूँ। चाचा, मंजुला मौसी के हाथ के बनाए हुए खाने की कितनी तारीफ हमारे शिविर के लड़के करते थे वो सुना है मैंने। अब ये चटनियाँ, ये चटनियाँ भी उन्होंने खाई होंगी ना? चटनी तो मौसी की खासियत है। तो फिर मौसी, महिला मंडल ने बहुत बड़ा काम हाथ में लिया है। अरे निरंतर पढ़ाई का काम तुमने अभी से ही शुरू किया है, और सिर्फ शुरू ही किया क्या, उसमें तो आपने छलांग भी लगा दिए। अभी और थोड़ा जोर लगाओ, फिर देखो अपना गाँव कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। जगने, गाँव के घर तो काफी सुधर रहे है ना? अरे हाँ जी, रंग काम क्या, कुर्सी और टेबल क्या, पर्दे क्या, देखने में बहुत अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है रे। हाँ। पर हम पीछे रह रहे हैं। वो कैसे? अरे ये सब महिला मंडल के करतूत हो गए, उन्हें पैसे कमाने का काम सिखाया और तूने वो कर दिया, उसमें से पैसा मिला और घर सुधर गए ना। हाँ, वो भी सच है। अरे तुझे मालूम नहीं होगा, 100-150 औरतों ने महिला समृद्धि योजना में खाते खोल दिए। सच? अरे वही बता रहा हूँ ना तुझे, अपना नवनिर्माण युवक मंडल पीछे रह रहा है, उसका क्या करेंगे? अरे हम ऐसा धमाका लगा देंगे, पेड़ लगाओ पेड़ बढ़ाओ। हाँ चलेगा। हाँ। अरे उसके लिए तो हड़बड़ा के यहाँ आया हूँ ना। ये देख, इसी यहाँ एक छेद कर दूँ क्या? छेद कर दूँ? इसे छेद देने का, पानी बूंद बूंद गिरना चाहिए। हाँ। और रखेंगे कैसे? नहीं वो पहले बांधना पड़ता है ना, धागे से थैली का मुँह बांधना पड़ता है। ये बार क्या, वो धागा ले क्या? समझा क्या, धागे से थैली का मुँह कैसे बांधे वो? फिर रख देना। गड्ढा खोद दूँ? अरे गड्ढा किस लिए, पौधे के नीचे रख देना, पर पानी टपकता है कि नहीं ये तो देखना चाहिए। ओके। अरे बबनिया, ये एक प्लाट हुआ। अब हम एक काम करेंगे, वो गांव के नदी के पास एक प्लाट है ना, वो पूरा करेंगे। अरे वो तो इसके साथ ही कर रहे हैं, सारे युवक मंडल को काम पे लगाता हूँ, गांव तो एकदम खुशी से काम पे आना चाहिए। बबनिया, अरे बारिश हो जाएगी ना तो पेड़ कितनी फुर्ती से खिलेंगे ना, हरियाली सब तरफ। चल।
भाई। जरा संभल के। राम राम दादिया। राम राम। राम राम। बाग काम चल रहा है? बैठे बैठे कुछ तो करना चाहिए। अच्छा है? अच्छा है? इतना अच्छा कहाँ है, सिर्फ बांबू को बांधा है। जरा सुनने को कमाता है, बेल लगता है। बेल है बेल। बेल कौन सा जी, वो बेल है बेल। अच्छा है, घर की भाजी खाने को मिलेगी? हाँ हाँ, माजी घर पे ही मिलेगी, वो कहाँ आ जाएगी। पैर में दर्द है, आंखों से दिखता नहीं। अच्छा चलते हैं हम। अच्छा अच्छा चलते हैं। खाशा भाई वहाँ पे। राम राम खशबा अन्ना। राम राम। क्या चल रहा है? बीरबल और बादशाह की कहानी है। बादशाह पूछता है, बीरबल अपने राज्य में अंधे लोग कितने? तो बीरबल कहता है, जहाँ पना अपने राज्य के 95% लोग अंधे हैं। बादशाह को ये मंजूरी नहीं होता। तो बीरबल कहता है, कल सुबह खुद खाविन राजमार्ग पर आए और देखे। बादशाह वो दूसरे दिन सुबह निकले और चलते चलते रास्ते में एक जगह रुके। वहां रास्ते में एक जगह अपना बीरबल जूते सिलाते बैठा था। बादशाह ने पूछा उसे, क्यों बीरबल, ये क्या चल रहा है? तो बीरबल कहता है, दिखते हुए भी ये क्या चल रहा है, ऐसे कहने वाले को अंधा नहीं तो क्या बोलेंगे। वाह खशबान ना वाह, तुमने तो हमारी बिना पानी से हजामत कर दी। नहीं यानी मुझे तो मैं ये पूछना था कि पहले भी आप ये बाग काम करते थे या आप करने लगे? नहीं यानी कि तुम्हारी उम्र भी हो गई ना। अजी उम्र तो हो गई है, मगर बैठे बैठे चैन पड़ता नहीं ना। तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? शंकर। यही तो बदमाश है जिसने सबकी नींद उड़ा दी। क्या हो? अजी गुरु जी, इस तकरार वाली के लोग तकरार किए बिना दूसरा कुछ भी नहीं करते थे। आराम से सोना, वक्त बिताने के लिए झगड़ा करना, कैसे मजे में चल रहा था। मगर इस लड़के ने एक सपना देखा और सारा गांव जाग उठा। वो नंदा, फिर आप, फिर सरपंच, फिर बीमा, ऐसे एक एक आदमी काम से जाने लगा। मेरी गलती हो गई अन्ना। अब ऐसा हुआ है पूरे गांव में नया उत्साह आया है। जो देखो अपना काम कर रहा है, झगड़े बंद हो गए और एक दूसरे की मदद से काम होने लगे। झगड़ने के बजाय अब सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। अरे रे, फिर तो ये बहुत बुरा हुआ ना। हाँ तो हम बूढ़ों का आराम चला गया ना। अन्ना चाहो तो इस गलती की सजा दे दो मुझको। वाह, बूढ़े लोगों को भी युवकों जैसे उत्साह से काम करने के लिए प्रेरित किया। तुझे क्या सजा दे दूं? चार के बजाय 2 सालों में ये गांव आदर्श करके दिखा, यही तुझे सजा है। अन्ना आपके आशीर्वाद से वो भी होगा। Thank you.
बहनों, ये श्लोक मेरे मुंह से निकलता है तब मुझे पिछले दिनों की याद आती है। जब मेरी बहू ने मुझे इस श्लोक का सही अर्थ बताया तब से मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई। उसे पहले मेरे माँ बाप ने बताई हुई ये आध्यात्मिक बड़बड़ मैं बिना समझे ही बोलती रहती थी, बिना समझे ही। सासू माँ। हाँ। एक सवाल पूछो। हाँ पूछो। आप ये बड़बड़ कब से करती हैं? यानी इसे बड़बड़ कहती हो? अरे साक्षरता वर्ग में जाकर यही सीखती है क्या? ये तो मना से श्लोक है, मना से श्लोक। पर तुझे क्या समझता है इसमें? तेरे माँ बाप ने तुझ पर संस्कार किए होंगे तब ना। Ha 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 ha!